नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक साग की रेसिपी लेकर आई हूँ। हमें किसी न किसी तरह से कोई ना कोई साग सीजनली जरूर खानी चाहिए, और ये साग इस तरह से बनाने से बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये साग कौन सा लिए हैं मैंने। ये साग है राय चमसूर और पालक। ये एक ही मुट्ठे में मिक्स करके बेचते हैं और अलग अलग भी मिलते हैं। आप चाहे तो अलग अलग मुट्ठे में भी लाकर एक जगह मिलाकर बना सकते हैं ये साग। चलिए हम इस साग को मुट्ठे से निकालकर और साग को चुन लेते हैं। इस तरह से इसका खर निकाल देंगे और इनमें से निकालकर और इसका डंठल तोड़कर निकालेंगे। तो देखिए ये पालक है और ये राय और ये चमसूर, सभी कोमल पत्ते हैं इनके। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें साग कोमल ही चाहिए। तो देखिए मैंने सारे साग से डंठल निकालकर बाहर कर लिए हैं, चुन लिए हैं साग को। ये पालक है और ये राय साग है, सभी को अलग अलग कर लिए हैं। ये चमसूर है। वैसे साग चुनते समय एक ही जगह रखेंगे तो भी चलेगा, मैं आपको दिखाने के लिए अलग अलग कर लिए हैं। देखिए इसमें डंठल बिल्कुल नहीं है, देखिए आपको दिखाती हूँ इस तरह का है ये कोमल पत्ते वाले। तो अब चलिए इन्हें 3-4 बार पानी से धो लेते हैं। तो देखिए मैंने पानी से 4 बार धो लिए हैं साग को। अब हम इन्हें काटेंगे तो इस तरह से मोटे मोटे टुकड़े कर लेंगे, क्योंकि हमें साग को कुकर में उबालना है तो इसीलिए इस तरह से मोटे मोटे कर लेंगे। और अपने सुविधा के अनुसार से काटे साग को, जिस तरह से आपको सुविधा हो। तो इस तरह से काट लिए हैं, तो सारे साग को इस तरह से पहले काट लेते हैं हम। तो लीजिए मैंने सारे सागों को काट लिए हैं, बहुत बारीक भी नहीं काटे हैं, बहुत मोटा भी नहीं काटे हैं, देखिए इस तरह का है। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं, इसे उबालेंगे। कुकर चढ़ा लिए हैं गैस पर, अब इन सागों को डाल लेते हैं पहले। तो अब सारे सागों को डाल लिए हैं, अब इनमें 1 छोटी चम्मच नमक डाल लेते हैं और 1/2 कप पानी डाल लेते हैं। अब कुकर का ढक्कन लगाकर इसमें 1 सीटी आने देते हैं। तो कुकर में सीटी लग चुकी है, अब गैस को सिम करके 1-1.5 मिनट इसे इसी तरह से पकने देते हैं और गैस ऑफ कर देंगे। तो गैस ऑफ कर लेते हैं अब। अब कुकर का प्रेशर ख़त्म होने तक इंतज़ार करते हैं। तो कुकर का प्रेशर ख़त्म हो चुका है, तो कुकर को ढक्कन खोलकर देख लेते हैं साग को। तो साग देखिए गल चुका है, देखिए इस तरह का है। अब इन्हें एक मैशर की सहायता से अथवा एक मथनी की सहायता से इसे मैश कर लेंगे साग को। हम चाहे तो मिक्सर में भी पीस सकते हैं, लेकिन इस तरह से ही काम चल जाता है। देखिए इस तरह के मथनी अथवा इस तरह के, देखिए इस तरह से चलाते हुए इसे मैश कर लेंगे। तो देखिए ये मैश हो चुका है साग, देखिए इस तरह का है। तो अब कुकर को साइड में रखते हैं और गैस पर पैन चढ़ाकर इसे गर्म होने देते हैं। अब इसमें तेल डाल देते हैं, सरसों का तेल लिए हैं 2 चम्मच। साग को हमेशा सरसों के तेल में ही पकाएं, सरसों के तेल में पका हुआ साग बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप ज़रूर पकाएं सरसों के तेल में। तो तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें 2 लाल मिर्च डाल लिए हैं। लाल मिर्च को थोड़ी देर पकने देते हैं। तो अब लाल मिर्च पक चुकी हैं, अब इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च को बीच से चीरा लगा कर और डालते हैं इस तरह से, देखिए। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाल लिए, जीरा को भी तेल में चटकने देते हैं। तो अब जीरा भी चटक चुका है, इसमें अब डालते हैं लहसुन जो हमने काट कर रखे हैं, देखिए 5-7 कली लहसुन को काट लिए हैं इस तरह से लंबे लंबे शेप में। और इसे डालकर अब अदरक भी डाल लेते हैं, 1 इंच अदरक टुकड़े को भी लंबे लंबे शेप में काट लिए हैं। तो अब इन सारे चीज़ों को पकने देते हैं, थोड़ी गोल्डन ब्राउन हो जाए तब डालेंगे इनमें साग। तो देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं सारे चीज़ें। तो इनमें से थोड़ा सा तड़का 1 कटोरी में निकाल लेते हैं, बाद में गर्म करके और साग के सर्व करते समय ऊपर से डालेंगे। आप चाहे तो अलग से ही तड़का बनाकर रख सकते हैं। इनमें डाल लेते हैं ये घोटा हुआ साग। अब इन्हें चलाते हुए
इस तरह से चलाते हुए एक उबाल आने देंगे पहले साग में। तो देखिए साग उबलने लगा है, तब तो इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच मकई का आटा। और मकई का आटा ताज़ा ही लीजिएगा, यानी बहुत दिनों को हो, कड़वा हो गया हो तो बिल्कुल मत डालिएगा, नहीं तो कड़वा हो जाएगा साग, टेस्ट बिगड़ जाएगा साग का, तो ध्यान रखिएगा। अब आटा डालकर इस तरह से चलाते हुए साग को पकाएंगे थोड़ी देर। अच्छी तरह से आटे को मिला लेंगे ये साग में ताकि लम्स ना बने। देखिए इस तरह से मिलाते जाएंगे, पकाते जाएंगे। 2 से 3 मिनट पकाएंगे साग को ताकि मकई का आटा रखे हैं वो भी पक जाए और साग भी थोड़ा गाढ़ा हो जाए, सूख जाए साग। तो इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे हम। और इस वक्त आपको लगे कि नमक थोड़ा सा साग में कम है तो थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, आपने स्वाद के अनुसार से रखें। वैसे किस डिश के साथ आप सर्व कर रहे हैं साग को, इसमें भी भर पड़ता है। जैसे चावल के साथ थोड़ा सा नमक ज़्यादा लगता है। तो अब ये साग तैयार हो चुका है तो हम गैस बंद कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूँगी, यहाँ पर इस साग में आप टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन फैमिली मेंबर में कोई पसंद करते हैं कोई नहीं करते हैं, तो आप इस स्टेज पर साग निकाल लीजिए उनके लिए और फिर टमाटर अलग से कलछी में पका कर डाल लीजिए। देखिए मैंने कलछी में पका कर रखे हैं और डाल लिए हैं, या सभी मेंबर पसंद करते हैं। तो आप जब तड़का पकाए हैं उस वक्त, तड़का पकने के बाद जब हम साग डाले हैं ना, उससे पहले आप टमाटर डालकर थोड़ी देर पका लीजिए फिर साग डालिए, तो हमें बाद में नहीं डालना पड़ेगा टमाटर। तो अब साग को आधा 1 मिनट और पका लेते हैं, वैसे टमाटर पका हुआ था तो अब हमें बहुत देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस आधा 1 मिनट पका लेते हैं ताकि पूरे टमाटर का फ्लेवर साग में अच्छी तरह से मिल जाए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना साग देखने से ही, और खाने में तो इतना टेस्टी लगता है कि आप पका कर खाइएगा तो इसका फैन बन जाइएगा। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। और साग का टेक्सचर देखिए, इसका देखिए इस तरह का है, बहुत ही अच्छा साग बना है। तो चलिए अब साग बन चुका है, गैस ऑफ कर लेते हैं। और साग को आप चाहे तो ऐसे सर्व करें, अथवा ये मैंने तड़का रखे हैं इसे गर्म करके साग के ऊपर डालूंगी, या आप दोबारा तड़का बनाकर डालें। तो चलिए अब इन्हें सर्व करते हैं। तो लीजिए मैंने इन्हें सर्व कर लिए हैं। हम इसे किसी भी डिश के साथ सर्व कर सकते हैं, चावल रोटी या अपने मनपसंद डिश के साथ। तो आप ये साग बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी डेली अपडेट मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।